hello everyone good morning today in science square book we are going to take a new chapter and that is we need water it's lesson 11 on page number 61 we need water very easy chapter mm -hmm. so let's see what is there given plants and animals all need water to stay alive Stay alive means, you know that. Stay alive means to live, right? Zinda rahene <inaudible> ke liye. Kise water? Plants go or animals go. Plants and animals all need water to stay alive. We drink water many times a day. Yes, we do. Animals also drink water. Plants absorb water through their roots. Absorb means you can say use, okay? So plants, how they plants drink water, use water through their roots. That's why you give water to your plants in their roots only, hai na आप पत्तियों पे या उसके branches पे पानी, वो आप कभी-कभी डालते हो उनको सुंदर बनाने के लिए, लेकिन उनकी water need पूरी करने के लिए आप उनके roots में पानी डालते हो, है ना मिट्टी में? so they need water to grow yes to grow and to stay alive <coughs> water has many more uses yes we know so first of all a boy is there watering grass and right? plants a cow is there drinking water a boy is there drinking water even a pigeon is there drinking water so all living things need water they have covered animals birds human beings and plants water has many more uses what are they bathing right mm -hmm. and cleaning cleaning uh, dishes uh, your utensils cooking putting out fire yes fire brigade ki gadi dekhi ki pots are a pani whatever the tank mein. pipes na? hose pipes वॉशिंग क्लोथ्स तो यहाँ तो एक वॉशरमैन है जो रिवर पे धो रहा है लेकिन घर में भी आप वॉशिंग मशीन में पानी तो चाहते ही हो बेदिंग ऑफ एनिमल्स एनिमल्स भी नहाते हैं है ना बोटिंग एंड स्विमिंग सो इजी इजी है सब कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर सोर्सेज का मतलब पता है आपको कि कोई भी चीज कहाँ पर होती है जो कि हमें मिले ठीक है स्टोर्स कह सकते हो आप उनको इजी टर्म्स में ठीक है जहाँ से भी कोई चीज़ मिलेगी वो उसका सोर्स होगा सो फ्रॉम द स्काई रेन फॉल्स ऑन द अर्थ वी नो दिस क्लाउड्स आर देयर दे आर फॉल्स रेन एंड इट कम्स ऑन वाटर कम्स ऑन अर्थ इट फिल अप्स पॉन्ड्स तो जब बारिश होती है तो क्या हो जाता है सारे पॉइंट्स भर जाते हैं अभी तो हमने एक निबंध लिखा था वर्षा ऋतु पर है ना सो पॉइंट्स एंड रिवर्स एंड लेक्स दे आर फुल ऑफ वाटर दैट टाइम रिवर्स गो टू द सी और रिवर्स क्या होती हैं बहते बहते वो बहुत सारे एरियाज़ को कवर करती हैं वहाँ से सब लोग अपनी ज़रूरत का पानी लेते हैं आप सोचोगे कि हम तो कभी नहीं जाते रिवर पे पानी लेने हम तो वहाँ छोटा मोटा गंगा जल तो ले आते हैं ना हरिद्वार वगैरह से लेकिन वो तो दूसरा यूज़ होता है रिलीजियस पर्पस का वो यूज़ होता है तो ऐसा नहीं है क्योंकि अभी क्या है हमारे यहाँ पे अबंडेंस ऑफ वाटर इज़ देयर इन ग्राउंड जमीन के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है तो आप लोग मोटर चलाते हो ना अपना सबमर्सिबल पंप फिर टंकी भर जाती है है ना फिर बंद करते हैं तो वो अभी हम पानी वहाँ से यूज़ कर लेते हैं या कोई लोग कहेंगे नहीं सर हमारे घर तो वो आता है सरकारी पानी आता है गवर्नमेंट वाला तो वो भी गवर्नमेंट कहाँ से लाती पानी वो भी बड़े बड़े पंप्स लगे होते हैं उनके पास उनसे भर देती है अपनी बड़ी बड़ी टैंक्स में टंकी कहते हैं उसको वहाँ से वो कनेक्शन आ रहा होता है हमारे पास तो एक ही बात है छोटा कनेक्शन घर पे लगा लेते हैं या गवर्नमेंट नगर निगम जिसे हम कहते हैं ना वो वाला सिस्टम जो गवर्नमेंट का है वो सप्लाई कर देता है बड़े टैंक्स में पानी भर के लेकिन केवल ऐसा होता है ऐसा नहीं नदियों से भी पानी ले लेती है है ना जैसे यमुना रिवर है गंगा रिवर है बहुत सारा पानी वहाँ से पंप कर लेते हैं भर लेते हैं उसको फिर थोड़ा सा साफ़ करा जाता है पीने लायक बनाया जाता है प्लांट्स में बड़े बड़े मशीनरी के थ्रू ओके फिर वो उसको सप्लाई कर दिया जाता है वो मेनली कहाँ होता है जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत कम रह गया है क्योंकि बहुत खर्च करते हैं हम लोग तो वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे है ना तो आप जा डेली जाओगे या आप कोई भी मेट्रो सिटीज में जाओगे तो मोस्ट ऑफ़ टाइम यू विल हैव वाटर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड दैट इज़ पिकड अप फ्रॉम रिवर्स तो रिवर्स से आ रहा होता है वो वाटर हाँ सीधा नहीं आ रहा होता उसको पहले रिफ़ाइन करते हैं ना प्योरीफाई करते एनी वे सो रिवर्स गो टू द सी, और वो धीरे धीरे रिवर्स क्या होती है, सी में चली जाती है वहाँ सारा पानी जमा हो जाता है है ना और वहाँ सी से फिर क्लाउड्स बनते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको वो क्लाउड्स आके अपने आप प्योरीफाई कर देते हैं वो वाटर को फिर से बरसा देते हैं जहाँ पे <laughs> हवाएं चलती हैं जिस साइड ओके तो ऐसे वाटर साइकिल बना रहता है एनी वे वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन टू वेल्स लेक्स पॉन्ट्स और रिवर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं है ना नई जनरेशन आ रही है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें वेस्ट चीज़ें कहाँ नहीं फेंकनी चाहिए रिवर्स में पॉन्ड्स में लेक्स में जहाँ जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो उससे क्या होगा पोल्यूशन होगा पानी ख़राब होगा हमारे और आपके लिए ही कल को वो पानी खराब हो जाएगा पीने के लिए तो वी शुड ऑलवेज कीप देम क्लीन है ना अपने हम पानी के सोर्सेस को क्लीन रखें देर इज अ लॉट ऑफ वाटर बिलो द अर्थ यस हमको लगता है ना अर्थ तो इतनी पत्थरों की मिट्टी की बनी है इसके नीचे पानी है कैसे पॉसिबल है भाई अगर पानी होता है इसके नीचे तो ये सारी मिट्टी तो उसमें जो है घुल जानी चाहिए थी कीचड़ बन जाना चाहिए था हम तो सूखी धरती पे रहते हैं ना ड्राई लैंड ऊपर से दिखती है हमको नीचे पानी लेकिन नीचे पानी आता है हैंडपम्प जब आप चलाते हो तो नीचे से ये थोड़ा थोड़ा इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है आप बाद में पढ़ोगे रेत आती है है ना स्टोन्स भी होते हैं और बहुत मोटी लेयर होती है ये जो मिट्टी की होती है हमारे पास फिर उसके नीचे वाटर टेबल्स होती हैं बाद में पढ़ोगे आप मैं तो अभी समझा रहा हूँ बात आ गई तो और उन वाटर टेबल्स में वाटर ही भरा होता है और बिल्कुल फ्रेश वाटर जैसे ही मोटर चलाइए आपका मन करता है नहाने का और पीने का है ना तो इतना बढ़िया वाटर होता है वो एनी वे सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर बिलो दी अर्थ वी टेक इट बाई वेल्स पुराने टाइम में क्या करते थे लाइट नहीं होती थी मोटर नहीं थी इस तरह से तो वेल्स गड्ढा खोद लेते थे बहुत गहरा गड्ढा है ना खोदते जाते थे खोदते जाते थे फिर वो पानी तक पहुंच जाते थे और रस्सी डालकर बाल्टी डालकर बांध कर उसमें फिर पानी को निकाला जाता था तो उन्हें कहते थे वेल्स ये जो एक हट सी बनी है ना जिसके ऊपर और नीचे एक स्ट्रक्चर है गोल गोल वो वेल है हट तो इसलिए बना देते ऊपर से कोई कूड़ा उसमें ना गिरे क्योंकि अब वो एक छोटा सा एक होल है या एक पौट कह लो जो बहुत गहरा है है ना फ्रेश वाटर उसमें से और हम सब लोग हमारे जब आप पीछे जाओगे ना जब हैंडपम्प्स बनने से पहले फिर हैंडपम्प आ गए हैंडपम्प भी कुछ नहीं है वो भी एक नीचे तक गड्ढा ही करा है लेकिन एक छोटे से फॉर्म में करा है छोटा सा है उसको बोरिंग वेल, वेल, वेल बोरिंग मशीनस के थ्रू करते हैं उसको है ना तो वो इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है उसका जो एरिया है लेकिन छोटा है तो उसमें पाइप डाल दिया और एक ऐसी टेक्निक लगा ली ऐसे और जो उसका हैंडल होता है अप डाउन करने से पानी बाहर आता रहता है तो पानी तो वही है पुराने टाइम में वेल्स से निकालते थे फिर हैंड पंप की टेक्निक आ गई और अब तो मोटर्स आ गई है ना लाइट ऑन करो तो चल जाता है तो पुराने जब आप अपने दादू से या दादू के भी पापा ऐसे समझ लो आप ठीक है वो लोग आपको बहुत बढ़िया बताएंगे कि इवन उन्होंने यूज़ भी करा हुआ होगा कुएँ में जो है रस्सी डालना और पानी को निकालना है ना और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो कैसे निकालते हैं अभी भी गांव में इस तरह से निकाला जाता है कुएँ से पानी एनी anyway, फिर से वापस आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे सो वी टेक इट बाय वेल्स एंड हैंडप्स इन सिटीज़ वाटर इज़ प्योरीफाइड इन बिग टैंक्स एंड सप्लाई टू हाउसेज बाई पाइप येस ऐसे ही होता है है ना वी गेट वाटर जस्ट बाई ओपनिंग द टैप और हम लोग टैप ओपन कर देते हैं पानी आ जाता है द वाटर देट वी ड्रिंक मस्ट बी क्लीन तो ये पानी पाइप से आता आता क्या हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाता है पाइप्स कहीं से कटा फटा है या ऐसे कुछ हो गया तो देट्स वाई हम उसे और फिर से प्योरीफाई करते हैं है ना प्योरीफायर लगाया होता है, है हमने अपने घरों में सो क्लीन वाटर पीना चाहिए डर्टी वाटर कैन मेक अ सिक सिक मीन्स इल बीमार बना सकता है डर्टी वाटर उसमें जर्म्स हो सकते हैं इफ द वाटर इज़ नॉट क्लीन फिल्टर एंड बॉयल इट तो अब तो प्योरीफायर चल गए पहले ज़माने में ऐसे मैनुअल फिल्टर भी होते थे घरों पे वो रखे हुए होते थे और नहीं तो क्या करा जाता था वाटर को बॉयल कर लिया अगर गंदा पानी होता था उसको तो बॉयल कर लिया जाता था आप लोग वो देखते हो क्या डिस्कवरी पर मैन वर्सेस वाइल्ड है ना उसमें वो आता है आ, अरे मैं नाम भूल गया हाँ अभी मुझे बेयर ग्रेल्स है ना तो वो आप लोग ज़रूर देखना वो जंगल में कैसे अलग अलग तरीके बताता है पानी पीने के गंदे किसी वाटर बॉडी से पीता है उसको पानी को और अपने तरीकों से पहले उसको प्यूरीफाई करता है या बॉयल भी करता है ठीक है इसके पास हमेशा एक छोटा सा बर्तन होता है और एक फायर स्टार्टर होता है तो वो देखा ना शुरू करो इस तरह के आप चीज़ें हमेशा कार्टून नहीं राइट तो हमको कहाँ थे हम द वाटर दैट वी ड्रिंक मस्ट बी क्लीन डटी वाटर कैन मेक सिक इफ द वाटर इज नॉट क्लीन फिल्टर एंड बॉयल इट वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर यस यहाँ पे साइंस मैंने बायोलॉजी भी जोड़ दिया एनी <laughs> anyway, हमें खूब पानी पीना चाहिए इससे हमारा जो है ना अंदर जो इंटेस्टाइन होती है हमारी जिसमें खाना जाता है और सारा खाना हमको एनर्जी देता है फिर धीरे धीरे उसमें से हम अपना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं खाने में से अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी बॉडी निकाल लेती है फिर हमारा ब्लड बनता है तो वो इंटेस्टाइन क्या रहती है बहुत साफ़ रहती है ओके और वो हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में पानी हमको तो वो बहुत ज़रूरी है खूब पानी पीना राइट तो डेली जो सुबह शाम दोपहर ऐसे खूब खूब खुँ पानी पी लेना चाहिए बीच बीच में एनी वे वी शुड नॉट वेस्ट वाटर यस हम लोग क्या करते हैं बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि पेपर वेस्ट नहीं करने चाहिए और पता चला ड्राइंग के चक्कर में खूब सारे पेपर क्राफ्ट के चक्कर में खूब सारे पेपर्स वेस्ट करते हैं ना पोस्टर बनाते हैं पोस्टर पे लिखते हैं डोंट वेस्ट पेपर उल्टा करते हैं तो अच्छी बात नहीं है है ना इसी तरह से पानी भी हम लोग क्या करते हैं आजकल कर मैं देखता हूँ वो मोटर खुली छोड़ देते हैं बहुत देर तक बहता रहता है पानी ड्रिंकिंग वाटर फ्रेश वाटर फिर मैं जाता हूँ परेशान होकर ना बेल करता हूँ किसी की प्लीज़ <laughs> कि आप अपना मोटर बंद कर दो लाइट भी वेस्ट कर रहे हो और पानी भी वेस्ट कर रहे हो लाइट का तो आपका अपना बिल आ रहा है लेकिन पानी तो नीचे सबका एक है ना वो सबके लिए कम होता जा रहा है लोग वह अपनी मोटर चलाते हैं और वो सड़क धोने लग जाते हैं है ना तो बहुत वेस्ट करते हैं हम हम लोग स्पेशली जो, जो इंडिया में है ना तो वो वैल्यू आप लोग करना सीखो आप लोग अच्छे बच्चे हो आप दूसरों को भी प्यार से टोकना सीखो ठीक है कि प्लीज़ डोंट वेस्ट वाटर अब आ गए हम अपने चेक की सेल्फ पे तो देखिए क्या है एक्सरसाइज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे लाइव डैश किल्स द दाम्स इन द वाटर फ्रीजिंग फिल्टरिंग बॉयलिंग जब बॉयल करते हैं तो जम्स किल हो जाते हैं ओके फिल्टरिंग से क्या है हट जाते हैं साफ हो जाते हैं लेकिन किलिंग के लिए क्या आएगा बॉइलिंग वाटर इन सिटीज इज स्टोर्ड इन टैंक्स राइट क्वेश्चन आ गए अभी लेते हैं क्वेश्चन थिंक एंड आंसर व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड अ टैप ओपन अराउंड योर होम और एट स्कूल लो लगभग वही बात हो गई मैं मोटर की बात कर रहा था ये टैप की बात कर रहे इफ़ यू फाइंड अ टैप ओपन है ना वाटर वाटर जस्ट रनिंग अननेसेसरीली आप क्या करोगे आप उसको बंद करोगे है ना ठीक है तो इतना ही है ये देखिए प्लांट्स तो दिखाए नीचे प्रोजेक्ट में एक को पानी दिया एक को नहीं दिया तो वो दूसरा क्या हो जाता है डेड होने लग जाता है धीरे धीरे ओके तो आइए आप चलते हैं सीधा कहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स पे बहुत इजी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी ये मैंने आज ऐसे लिख लिए ज़रा स्क्रीन दे रहा हूँ आपको ये है ना आज बोर्ड पर नहीं गया मैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी नीड वाटर we need water for many purposes like drinking bathing cooking washing watering fields and plants etc watering fields खेत होते हैं ना जहाँ पे गेहूँ, चावल सब्जियाँ, फल ये सब आप खाते हो इनको भी तो पानी चाहिए तो वो है वाटरिंग फील्ड्स एंड प्लांट्स नंबर 2 do birds drink water yes they are alive they are living things yes birds also drink water नंबर 3 फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर इन योर हाउस तो आजकल दो ही तरह से वाटर आता है हाउस में मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिए हैं देखिएगा आपके लिए कौन सा सेट बैठता है इन माई हाउस आई गेट वाटर फ्रॉम अ बोरवेल बोरवेल वो ही कि मोटर लगी होती है पंप लगा होता है नीचे तो ये लिख सकते हो आप या आई इन माई हाउस आई गेट वाटर फ्रॉम म्यूनिसिपल बॉडीज़ वाटर कनेक्शन जो सरकारी पानी आता है ना टंकी से वो ठीक है तो बस यही है इसको कंप्लीट कीजिए नोटबुक वर्क कीजिए एंड डू सेंड टू मी अब हम चलेंगे आज नेक्स्ट एक ऐसे पर हिंदी ग्रामर में बाय